बैन अल-अक़वामी सियासत में चीन के मुतहर्रिक होने की वजह से तेजी से होने वाली पेशरफ्त और पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ की नई हुकूमत ने खित्ते में नए माशी ताल्लुकात को जन्म दे दिया है। IMF का वफ्त हमारी दहलीज पर मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान की तरजीह बैरूनी कर्जे नहीं बल्कि बैरूनी सरमायाकारी है। ये तो सबको ही मालूम है कि पाकिस्तान चीन के साथ तकरीबन 62 अरब डॉलर के वसी तरीन CPEC बंधन से जुड़ा हुआ है, लेकिन पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटेजिक अहमियत को मद्देनजर रखते हुए पिछले हफ्ते मॉस्को में 10 अरब डॉलर के पाक रूस गैस मंसूबे की मुफाहमत पर दस्तखत हुए और आजकल सऊदी अरब का आला सतह का वफ 10 अरब डॉलर के मुहायदों का रोड मैप तैयार करने के लिए पाकिस्तान में मौजूद है, जबकि पाकिस्तान में CPEC में सऊदी अरब का तीसरा बड़ा पार्टनर बनने का पहले ही ऐलान कर चुका है। सऊदी अरब वो पहला मुल्क है जिसको हमने CPEC में तीसरे पार्टनर के तौर पे शमूलियत की दावत दी है। जो मंसूबे हैं जिनके ऊपर सऊदी अरब जो है वो बराह रास्त इन्वेस्टमेंट करेगा, वो अक्टूबर के पहले हफ्ते में आज जो फॉरेन ऑफिस है उसको हदायत कर दी है प्राइम मिनिस्टर साहब ने कि वो जो इस सिलसिले में दौरे के इंतजाम हैं वो शुरू करे। और जिस तरह से मैंने कहा कि CPEC में अब जो हमारा तीसरा स्ट्रेटजिक पार्टनर होगा या इकतसादी पार्टनर होगा वो सऊदी अरेबिया होगा, और बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो इंशाल्लाह ताला जो सऊदी अरेबिया से पाकिस्तान को इस रास्ते में आएंगी। दरहकीकत सऊदी अरब अब तेल पर इन्हिसार कम करके अपनी मईशत को सरमायाकारी के जरिए फरोग देने के मंसूबे तलाश कर रहा है। कतर और ईरान के साथ इख्तलाफात के सबब सऊदी अरब अपने तिजारती रास्तों को नई समत देना चाहता है और ये रास्ता रियाद से इस्लामाबाद पहुंचता है। इस सिलसिले में पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तेल और मादनी जखायर के मंसूबों में सरमायाकारी और तिजारती तआवुन की 4 से 5 मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए जाने का इम्कान है। इन मुफाहमती याददाश्तों में गवादर से बरास्ता ओमान, रियाज और अफ्रीका तक जाने वाले वन बेल्ट वन रूट के चीनी मंसूबे के तहत मंसूबों पर भी मुहायदों की उम्मीद है। पाकिस्तान की जानिब से सऊदी वफ से ताखीरी अदायगियों पर पेट्रोलियम मसनूआत और खाम तेल की फराहमी पर भी गुफ्तगू की गई, जबकि सऊदी अरब गवादर में तेल रिफाइनरी लगाने और बलूचिस्तान में सोने के और तांबे के जखायर के मंसूबे रेकोडिक, जबकि पंजाब में LNG के मंसूबे में सरमायाकारी का भी जायजा लेगा। आज पाकिस्तान और सऊदी अरब के आला हुकाम के वफूद के दरमियान तवानाई के शोबे में मुजाकरात का पहला दौर हुआ, जिसमें बिजली की पैदावार, तरसील और तकसीम के मंसूबों में सरमायाकारी पर बात हुई। इत्तला के मुताबिक सऊदी वफ्द कल गवादर पोर्ट और रेकोडिक का दौरा करेगा, जिसके बाद परसों हतमी मुजाकरात का इनेकाद होगा। सऊदी अरब ने पाकिस्तान में गल्फ एयरलाइन का जल्द ऑपरेशन शुरू करने का फैसला किया है। गल्फ एयरलाइन कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में ऑपरेशन शुरू करेगी और पाकिस्तान से दम्माम, जद्दा और मदीना जाने वाले मुसाफिरों को सहूलत फराहम करेगी। पाकिस्तान ने सऊदी अरब से तवील मुद्दती मुहायदे की दरख्वास्त की है, जिसके तहत पाकिस्तान को ताखीरी अदायगियों पर 2 लाख बैरल तेल की फराहमी जारी रखी जाएगी। याद रहे कि पाकिस्तान सऊदी अरब से रोजाना 1,10,000 बैरल खाम तेल दरामद करता है, जिसकी अदायगी ताखीर से की जाती है, और पाकिस्तान के लिए सऊदी अरब की यह सहूलत पिछले 20 साल यानी 1998 में पाकिस्तान के एटमी कुवत बनने के बाद से जारी है। इस मामले पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं जनाब फवाद चौधरी साहब, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो ये फरमाएं कि सऊदी अरब के वफ्द के साथ जो बातचीत हो रही है, तो किन मुहायदों पर हम तकरीबन करीब करीब आ चुके हैं और कौन से ऐसे मामलात हैं जिन पर अभी बातचीत बाकी है? देखिए, ये जो दौरा हुआ है, ये जो सऊदी एक हाई लेवल डेलीगेशन स्टेट विजिट हुआ था प्राइम मिनिस्टर साहब का, उसके बाद जो गुफ्तगू हुई थी वहां पर जो खादिमान से और उसके बाद जो ग्राउंड प्रिंस थे, उसमें यह तय हुआ था कि जो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर वो वफूद अपने भेजेंगे। उनमें जो सबसे अहम मामला है वो एनर्जी का है, और उसके ऊपर आज जो ये वफद आया है, ये एनर्जी एडवाइजर जो है वो इसकी सरबराही कर रहे हैं जी। अब ये कल से, आज इनकी बड़ी डिटेल मुलाकातें हुई हैं, कल इनकी जो है वो मुलाकातें होंगी, और उसके बाद जो अगला मामला है वो तय होगा
इनके जो इंटरेस्ट है पाकिस्तान के अंदर, जाहिर है गवादर एक अहम जो है वो इंटरेस्ट है, उसमें जो है वो आगे बढ़ना चाहते हैं हम भी और सऊदी भी। इसी तरीके से जो ऑयल के अंदर, एनर्जी के अंदर बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है सऊदी अरब की, जो हम यकीनी तौर के ऊपर हम उनको खुशामदेद कहेंगे पाकिस्तान। ठीक सर, ये भी फरमाएं कि कितनी तवक्कु आप कर रहे हैं कि सऊदी अरब से कितनी किस हजम पे इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान आएगी? ये आपको वाज़े हो सकेगा दो हफ्तों के अंदर, जबकि जो सऊदी हमारे पेट्रोलियम, उनके जो पेट्रोलियम मिनिस्टर है, ठीक, अगर वो पाकिस्तान के दौरे पे आते हैं दो हफ्ते बाद, तो फिर हमें ज्यादा वाज़े हो सकेगा। लेकिन मैं आपको ये जरूर बता सकता हूँ कि इस वक्त पेट्रोलियम का जो एक मामला है उसमें सऊदी इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है, एनर्जी में सऊदी इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है, और इसके साथ साथ जो एग्जॉन जो एक अमेरिकन कंपनी है वो भी जिस तरीके से इस वक्त ड्रिलिंग कर रही है, तो पाकिस्तान के अंदर ये जो हमारा ये जो सेक्टर था ड्रिलिंग का, रिफाइनरी का, ये कुछ अरसे से जिस तरीके से इसमें कुछ भी नहीं हो रहा था, तो अब आप देखेंगे कि इसमें बहुत बड़ी बड़ी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो इंशाल्लाह आएंगी, और इससे इसका एक ताल्लुक जाहिर है जो पाकिस्तान और जीसीसी के ताल्लुक थे वो काफी सर्द थे नवाज शरीफ साहब के आखिरी दौर में। ठीक, अच्छा तो आपका कोई तखमीना तो होगा? असल में तखमीना जो है उसमें मैं अभी जाना नहीं चाहता, ठीक, क्योंकि असद उमर साहब से और जो मेरी बात हुई थी बड़ी तफसील से, उसमें उनका मानना ये है कि अभी हमें तखमीनों में नहीं जाना चाहिए और हमें एक इसको ओपन एंडेड फिलहाल छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये जो इसकी स्पेसिफिक्स है वो अभी तय नहीं हुई है, ठीक, और स्पेसिफिक्स तय होने के बाद बताना जो है वो मुनासिब होगा। ठीक, आपने फरमाया कि गवादर में सऊदी वफ्द दिलचस्पी का इजहार कर रहा है और इसके अलावा रिकोडिक का भी जिक्र आया, क्या रिकोडिक को भी आप शुमार करेंगे सीपैक में? सीपैक जो है वो देखिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है और वहां पर जो कम्युनिकेशन लाइन अब बने है, जाहिर है कि इससे पाकिस्तान का, मेरा आपका, पाकिस्तान के लोगों का मफाद तो ये है ना कि कम्युनिकेशन लाइन बन गई है, अब यहाँ पे इंडस्ट्री आए, इन्वेस्टमेंट आए और हम इसको आगे बढ़ा सकें इस मामले को। ठीक, तो अब ये सऊदी अरेबिया अगर पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करता है और दीगर ममालिक पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करते हैं और वो सीपैक से फायदा उठाते हैं इस कम्युनिकेशन लाइन से, तो जाहिर है कि ये एक बहुत अच्छी बात होगी और इसको हम बहुत खुशामदेद कहेंगे। ठीक, ये रिकॉर्डिंग पे क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि ये ठीक है जो सड़कें बन रही हैं और जो सीपैक है उससे फायदा तो सब उठाएंगे, मगर रिकॉर्डिंग बिल्कुल एक अलहदा चीज है, तो इसमें हुकूमत क्या सोच रही है, क्या करने जा रही है? देखिए जिस तरह से मैंने पहले स्पेसिफिक्स में अभी मैं जाना नहीं चाहता, उसकी कुछ जो है वो हमारी अपनी जो है वो वजूहत है, लेकिन जो जिस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं हमारी डायरेक्शन बिल्कुल सही है। रिकॉर्डिंग के ऊपर भी आपको मालूम है कि हमें चौधरी साहब की मेजबानी में वहां पर भी पाकिस्तान के ऊपर बिलियन ऑफ डॉलर्स जो है वो मुकदमा चल रहा है, आर्बिट्रेशन में हम अवार्ड जो है वो हो चुका है, ये तो अभी इस वक्त हम सिर्फ अवार्ड में पड़े हुए हैं, जजमेंट तो जो है वो उसमें आ चुकी है, अब उसके ऊपर नेगोशिएशन वगैरह भी चल रही है, उन केसेज में शामिल है जिनमें काफी ज्यादा पाकिस्तान को बैनकौमी नुकसान हुआ, तो अब उसको हमने एक लाना है, इसकी चूंकि लीगल साइड भी है उसको हमने किस तरह से बनाना है और इसको हम आगे किस तरह से बढ़ाएंगे, तो अभी फिलहाल तो मैं इसके ऊपर ये कमेंट नहीं करना चाहता स्पेसिफिक, लेकिन ये बात जरूर है कि रिकॉर्डिंग का मंसूबा बहुत अहमियत का मंसूबा है और यकीनी तौर के ऊपर इससे पाकिस्तान को जो फायदा उठाना है वो इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा अगले चंद हफ्तों में, उसका मॉडल सप्रेंडाइजा। ठीक सर, सऊदीया से हमारे बरादराना मरासिम हैं, बहुत करीबी हमारे ताल्लुकात रहे हैं और आगे भी रहेंगे, मगर साथ ही साथ हमारा एक और पड़ोसी ईरान भी है, बलूचिस्तान में सऊदी कंपनीज आकर अगर काम करती हैं और दूसरी तरफ ईरान गैस पाइपलाइन भी खटाई में पड़ी रहती है, तो आप किस तरीके से आपकी हुकूमत बैलेंस कायम कर सकेगी दोनों ममालिक के दरमियान? देखिए
देखिए हमारा जो एक दोनों मुल्कों से एक ताल्लुक है, उस ताल्लुक को हम आगे लेके इंशाल्लाह चलना चाहते हैं। हम ना सऊदी अरब की जो एक कहने के बड़ी प्लानिंग है जो उसमें ना हम पार्टनर बनना चाहते हैं, ना ही हम ईरान के साथ इस सिलसिले में कुछ शराकतदारी चाहते हैं जो उनकी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू है। हमारा इक्तिसादी नुक्ता नजर है जिससे हमारा जिससे सऊदी अरब का और हमारा मुफाद जुड़ा हुआ है, जिससे हमारा बाकी रीजन के साथ मुफाद जुड़ा हुआ है, और इक्तिसादी तौर के ऊपर हमारे ईरान से ताल्लुकात जो है वो स्ट्रांग होना जरूरी है ताकि हम एक हमारी जो रीजन है वो उसमें तरक्की कर सके। दूसरी तरफ जो सऊदी अरब है उसके साथ हमारा इन्वेस्टमेंट का शरीक तरीका है, तो हमारा मसला ये नहीं है कि हम इस वक्त को खुदा ना खासा सऊदी अरब और ईरान की लड़ाई में कोई हिस्सेदार है। हम इक्तिसादी नुक्ते नजर से सारे मामले को देख रहे हैं, सिक्योरिटी के नुक्ते नजर से इसको नहीं देख रहे हैं, और मेरा ये ख्याल है कि हमारी कौम का मुफाद भी यही है कि हम इक्तिसादी नुक्ते नजर से चीजों को आगे बढ़ाए। अब आप खुद इस बात को कई मरतबा दोहरा चुके हैं कि ये ज़माना जो है ये पॉलिटिकल इकोनॉमी का ज़माना है, और अगर इस मंसूबे में सी पैक में ईरान जैसा मुल्क कई मरतबा अपनी दिलचस्पी का इजहार कर चुका है और सऊदीया इसमें शामिल हो रहा है, तो क्या सऊदीया की शमूलियत के बाद अब भी ईरान की राहें खुली हुई हैं, वो इसका हिस्सा बन सकता है? फिलहाल ईरान जो है उसके बिल्कुल यकीनी तौर के ऊपर उससे हमारी जो एक और आपको याद है कि सबसे पहले जो वजीर खारजा जिन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया था वो ईरान के वजीर खारजा थे, तो ईरान के साथ जो हमारे मामलात है इक्तिसादियात के मामलात है वो भी एक सतह के ऊपर बिल्कुल मौजूद है और हम ईरान के साथ भी इक्तामल कर रहे हैं। लेकिन आपको जैसे मालूम है कि ईरान का जो इस वक्त एक इंटरनेशनल सेंक्शन है जिसकी वजह से ईरान उस तरह से एक ओपन अप नहीं हो पाता जिस तरह से जीसीसी को या सऊदी अरब को या बाकी ममालिक को जो एक हासिल है एडवांटेज, ईरान को थोड़ा सा एडवांटेज हासिल नहीं है। लेकिन हमारा जहां तक रीजन का ताल्लुक है उसमें हमारे ताल्लुकात ईरान के साथ बहुत मजबूत है और हम उनको मजीद मजबूत करने का भी इरादा रखते हैं। वजीर आजम तशरीफ लेके जा रहे हैं बलोचिस्तान, तो बलोचिस्तान में जो मनसूबे हैं गवादर में हों या रिकोडिक, क्या वहां पर बलूचिस्तान की हुकूमत को इस पर एतमाद में लेने के लिए जा रहे हैं या बलूचिस्तान हुकूमत से पहले से बात हो चुकी है इन मंसूबों के हवाले से? हमारी जो बातचीत है वो बलूचिस्तान में तो हमारी कोलिशन गवर्नमेंट है और जाहिर है कि हमारा उनके साथ एक अंतमाद का रिश्ता है और हम उनको बिल्कुल साथ लेके चलते हैं। लेकिन ये जो विजिट है प्राइम मिनिस्टर साहब का, ये हमारा 100 दिन का एजेंडा था जो जिसमें स्ट्रेंथनिंग द फेडरेशन एक अहम उसका हिस्सा था। अब उस स्ट्रेंथनिंग फेडरेशन में बलूचिस्तान का जो मफादात है वो बहुत अहमियत के हामिल है और प्राइम मिनिस्टर साहब जो है बलूचिस्तान में आपको मालूम है पीटीआई वो बहुत पार्टी थी जिसने कुलता में जलसा किया इंतखाबात में और उससे पहले भी, लिहाजा हमारा दिल बलूचिस्तान के अवाम के साथ धड़कता है और उसी इसीलिए प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो कोई तशरीफ लेके जा रहे हैं जहाँ पे वो तमाम जो बलोच लीडरशिप है और बलोचिस्तान की जो सारी लीडरशिप है उसके साथ मुलाकात है। जी भाव चौधरी साहब, मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ ही मौजूद रहें, एक मुख्तसर से ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद प्रोग्राम को हमें आगे बढ़ाना है।